Hi, hello, welcome to 9th Live Daily and welcome to Unacademy Foundation channel. So as you know that we are doing surface area and volume and today's lecture is lecture number 2 of the surface area and volume. So last class mein maine aapko cuboid padhaya tha, to aaj ki class mein hum kuch questions homework mein diye the, unko discuss karenge, then we'll go towards the cube, okay? So before starting, I want to introduce my team. Seema ma'am is taking for physics and chemistry, Vindhya ma'am is taking for biology and I'm taking for mathematics on Unacademy Foundation channel. We have a YouTube channel that is Unacademy Foundation. Agar abhi tak aapne channel को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी अपकमिंग क्लासेस के बारे में. ओके, रेगुलरली हमारी क्लासेस आती हैं एंड दिस इज द टाइम टेबल, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. इस टाइमिंग पे हमारे रेगुलरली क्लासेस आते हैं अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल पे, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, सो जैसे ही आपको पता चलता है, इससे आपको यह भी पता रहेगा कि किस टाइम पे हमारी क्लास कौन से सब्जेक्ट की आने वाली है. सो आप यहां से ट्रैक कर सकते हो. और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू टेलीग्राम ऐप. टेलीग्राम ऐप पे अनअकैडमी फाउंडेशन का एक ग्रुप है जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो. ऑल द एजुकेटर्स ऑफ फाउंडेशन चैनल आर देयर. यू कैन कम्युनिकेट विद अस, यू कैन कनेक्ट विद अस. आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई सजेशन लेना है या कोई सजेशन देना है. अगर अभी तक कोई सजेशन नहीं लिया है, किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई सजेशन लेना चाहते हो, तो जल्दी से करो क्या, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करो, then go to the browser and type this link there, tinyurl.com/unacademyfoundation in small letters. Once you type this link there, बिल्कुल correct type करना है, कोई spelling mistake नहीं होनी चाहिए, सारे letters small होने चाहिए. Once you type this link there, you'll get connected by the Unacademy Foundation group. All the educators of the Unacademy Foundation channel are there. You can communicate with us, you can connect with us, है ना? So ये काम करना ही करना है, जल्दी से ये काम कर लो अगर अभी तक आप ये काम नहीं किया है, क्योंकि already 500 plus student की family वहां पे हो गई है. Okay, so second important thing is this, that you can, you know that we are providing quality education on YouTube, we are providing free education on YouTube, but if you want to connect with us in a personalized way, aap chahate ho ki regular basis pe aapki doubt clearing session bhi ho, aap test mein bhi appear hona chahate ho, for that you can explore the plus platform. So what are the benefits of the plus platform? Test series hai, regular every 4 session is a doubt clearing session. India ke top educators ke courses hai wahan pe, multiple courses are there, multiple educators are there, aap unse padh sakte ho, unke courses mein access kar sakte ho, मल्टीपल टाइम एक्सेस कर सकते हो, सबके सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज में एक्सेस कर सकते हो. ऐसा बिल्कुल भी बाउंडेशन नहीं है कि एक ही एजुकेटर के कोर्स में जाओगे, किसी के भी कोर्स में जा सकते हो. लेकिन करोगे कैसे? जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड इंस्टॉल दैट ऐप इन योर फोन. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लो. वंस यू इंस्टॉल दैट ऐप इन योर फोन, देन क्लिक ऑन द प्लस. प्लस पे क्लिक करके आपको यहां से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है. योर कैटेगरी, आप अगर 9th-10th में हो तो आपकी कैटेगरी फाउंडेशन एंड एनटीएससी है. अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक स्ट्रांग है, तो यू कैन डायरेक्टली सिलेक्ट योर कैटेगरी जिस एग्जाम के लिए आप फर्दर प्रिपेयर करना चाहते हो. कुछ बच्चे 9th-10th के हैं जो आगे आईटी जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे, दे कैन सिलेक्ट देयर कैटेगरी एज आईटी जेई. कुछ बच्चे 9th-10th के हैं जो आगे नीट के लिए प्रिपेयर करके उनको लगता है कि उनका 9th-10th बहुत अच्छा है, दे कैन डायरेक्टली सिलेक्ट देयर कैटेगरी हेयर आईटी जेई एज वेल एज नीट. और किसी और एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, देयर आर वेरियस कैटेगरीज, है ना, आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो. देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन. वंस यू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन, सो देयर आर वेरियस प्लान, यू कैन गो विद एनीवन, बट वी रिकमेंड दैट इफ यू आर इन 10th क्लास यू कैन गो फॉर द 12 मंथ, एंड इफ यू आर 9th क्लास गो फॉर 24 मंथ, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी वेरी अफोर्डेबल. एंड देयर इज अ प्लस थिंग फ्रॉम आवर साइड टू यू, जैसे कि ये प्लस है, तो हमारी तरफ से भी एक प्लस चीज आप लोगों के लिए है कि डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन लाइव कोड. दिस इज अ प्लस, दिस इज अ लव, दिस इज अ लव फ्रॉम आवर टीम टू यू. हमारी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए एक प्यार है, और साथ के साथ, इस प्यार के साथ, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट एज वेल. आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आफ्टर डिस्काउंट इफ यू आर टेकिंग फॉर 12 और 24, तो दीज विल बी द प्राइसेस फॉर 12 मंथ एज वेल एज 24 मंथ. यू कैन गो विद एनी वन, बट वी रिकमेंड कि ये ऑलरेडी पहले से ही बहुत अफोर्डेबल है. और प्लस, जब आप फाउंडेशन लाइफ कोड अप्लाई करोगे इन कैपिटल लेटर्स, आपको ये 10% के डिस्काउंट के साथ, इफ यू आर टेकिंग फॉर 12 मंथ 1300 समथिंग, एंड इफ यू आर टेकिंग फॉर 24 मंथ 1000 समथिंग, फॉर एवरी मंथ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन. ओके, सो ऐसा नहीं है कि YouTube पे आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा, YouTube पे भी मिलेगा, लेकिन प्लस में प्लस बेनिफिट्स होंगे. आप टेस्ट भी दे सकते हो, आप अपने डाउट से क्लियर कर सकते हो, हम आपको वहां पे पर्सनलाइज वे में पढ़ाएंगे. ओके, सो ये एक्सप्लोर करना बनता है, एक बार जल्दी से एक्सप्लोर कर लो अगर अभी तक आपने ये एक्सप्लोर नहीं किया है. ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. एज यू नो कि हमने लास्ट क्लास में क्यूबॉइड किया,
है ना. सो बच्चे बहुत बोल रहे थे मैम हम लोग इस चैप्टर का वेट कर रहे थे, इवन आई वॉज वेटिंग कि मैं भी पढ़ाऊं इस चैप्टर को, कि दिस इज वेरी इजी टॉपिक, कुछ ऐसा तो है नहीं. जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि सिर्फ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को रटना तो है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी क्लास में मैं कभी ऐसा नहीं करती कि इसको रट लो, सबको समझना है. एक बार अगर आप समझ गए तो आपको फॉर्मूले खुद ब खुद लर्न हो जाएंगे, ठीक है. तो रटने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूलों को समझो, इन डेप्थ समझो कि कैसे आया है, कैसे हम क्या निकाल रहे हैं. अच्छा फॉर्मूले तो सब कुछ लोग रट भी लेंगे, चलो अच्छी बात है रट लो, लेकिन अगर आपने फॉर्मूले रट लिए तो आपको पता भी तो चलना चाहिए कि कहां पे क्या लगाना है. सो इसीलिए मैं फॉर्मूलों को समझा के बताती हूं कि जब ये केस आएगा तब आपको ये निकालना है और आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओके सो आपको रटना नहीं है, आपको पहले समझना है कि किस कंडीशन में क्या लगाना है और कहां पे क्या किसकी जरूरत होगी. ओके सो चलो स्टार्ट कर देते हैं. सो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था. कह रहे हैं क्यूबॉइडल ऑयल टिन इज 30 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 20 सच टिन्स इफ द कॉस्ट ऑफ टिन शीट इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर. ओके सो क्यूबॉइडल टिन बनानी है भाई, LBH दिया गया है तो आपको TSA निकालना है भाई, बनानी है तो पूरा TSA निकालना पड़ेगा. सो TSA ऑफ वन टिन निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया पता है ना, मैंने बताया था टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. तो याद होना चाहिए आपको, मैंने लिखा था ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL होता है, तो ट्वाइस ऑफ LB L इंटू बी यानी कि 1200 प्लस ऑफ BH 2000 1500, ये आ जाएगा. यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये 00527 और ये बन जाएगा 447, ये बन जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ये बन जाएगा आपका एक क्यूबॉइडल टिन का एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया, मतलब इतनी टिन चाहिए एक क्यूबॉइडल, एक इतना मटेरियल चाहिए एक टिन बनाने के लिए, ठीक है. अब ये तो एक का है लेकिन आपको 20 बनानी है. सो TSA ऑफ 20 सच टिन्स विल बी 20 × 9400 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी. अब देखो ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया है. अब कह रहा है कि एक टिन की कॉस्ट इतनी है पर स्क्वायर मीटर्स, तो इनकी एक स्क्वायर मीटर्स की कॉस्ट इतनी है, तो इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता ही है. तो ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है लेकिन वो मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसको आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना. तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको पता हो कि आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर विल बी 1/100 मीटर्स हो जाएगा. सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 1/मीटर स्क्वायर्स हो जाएगा, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे. सो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 × 9400 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर बन गया, यहां से ये 3 जीरोस आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यहां से बन जाएगा कितना, बन जाएगा 8188 डिवाइडेड बाय 10 मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका TSA ऑफ 20 सच काइंड ऑफ टेंस. ओके अब एक का तो निकाल ही चुके थे, 20 का निकाले, लेकिन अब कॉस्ट निकालनी है. सो जब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹20, सो 188 बाई 10 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 20 × 188/10 रुपीज, यानी कि 376 रुपीज. सो 376 रुपीज लगेगा अगर आपको 20 क्यूबॉइडल सच काइंड ऑफ टेंस बनानी है. तो क्या करा, सबसे पहले TSA निकाला एक का, फिर 20 का निकाल दिया, भाई 20 का तो निकाल ही सकते हैं, है ना. फिर क्या किया, एक मीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया क्योंकि वो सेंटीमीटर स्क्वायर था. फिर एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी ₹20, तो आपके पास 188/10 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 × 188/10 रुपीज. क्लियर. चलो सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आधे बच्चे करके ही आए होंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम हुज लेंथ इज दिस, ब्रेथ इज दिस एंड हाइट इज दिस. ओके ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹5 per square meter, डोर विंडोज एंड अदर ओपनिंग आर इग्नोर्ड. ओके सो कह रहा है कि 4 वॉल्स का एरिया बताना है अगर उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है. सो आपको पता हो कि LSA लेटरल सर्फेस एरिया या फिर एरिया ऑफ
फोर वॉल्स, यही तो लिखाया था मैंने। कितना होता है आपको याद हो तो 2H into L+B, आपको याद हो तो यही होता है, आपको अगर याद हो मैंने लिखाया था तो। अब जब ये आ गया है आपके पास तो आपको यही निकालना है, तो 2 times of H कितना दिया गया है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 4, L कितना दिया गया है 6 and 5, 6 plus 5, सो ये आ जाएगा इसका कितना 8 into 11, यानी कि 88 meter square, सो दिस इज द एरिया ऑफ फोर वॉल्स, 2 into 4 into 6 plus 5, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹5 per square meter, सो 1 meter square का कॉस्ट है कितना है 5, सो 88 meter square का कॉस्ट कितना आएगा 5 into 88, तो आ जाएगा ₹440। सो आपको पता चल गया कि इतना रुपीस कॉस्ट आ रहा है, अगर 1 meter square का कॉस्ट 5 rupees है तो 88 meter square कॉस्ट का रुपीस मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 5 into 88 meter square आएगा। सिंपल, हमने क्या किया, सबसे पहले तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकाला, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे, 2 into H L+B, H कितना है 4, L+B 6 plus 5, यानी कि बन जाएगा ये 11 और ये 8, 8 into 11 यानी कि 88 centimeter square, सिंपल 88 meter square। फिर कॉस्ट निकाल दिया, तो कॉस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं था, 1 meter square का कॉस्ट 5 rupees है, तो 88 meter square का कॉस्ट कितना आ जाएगा 5 into 88 rupees, क्लियर। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 m, इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 per meter square इज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। अब भाई क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसका पेरीमीटर दिया गया है, तो हॉल का, हॉल हैज अ पेरीमीटर दिस रेक्टेंगुलर, द फ्लोर, फ्लोर का पेरीमीटर, हम सो सॉरी, फ्लोर का पेरीमीटर, तो फ्लोर जो होगा उसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, आपको पता ही है फ्लोर में क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ, हाइट तो इन्वॉल्व नहीं होती। तो अगर मैं फ्लोर का पेरीमीटर लिखूं तो अब आप देखना जो फ्लोर है इसकी वो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है 2 times of L+B, सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, समझ रहे हो मेरी बात, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, क्योंकि 2 times of L+B, यही तो होता है रेक्टेंगल, फ्लोर, खाली फ्लोर है, फ्लोर ऐसी है जिसमें ये एल है और ये बी है, ये एल है और ये बी, अगर मैं इसका पेरीमीटर लिखूंगी तो यही तो आएगा। अब क्या कह रहा है, ये दिया गया है आपको कितना 250 meters, अब क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द फोर वॉल्स, अब देखो फोर वॉल्स का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया 2 times of L As 2 times of H L+B, ये होता है ना एरिया ऑफ फोर वॉल्स। आप कह रहे हैं इनको पेंट करना है, जब आप इनको पेंट कर रहे हो एट द रुपीज ऑफ 10 per meter square से, तो जो कॉस्ट आ रही है वो 15,000 आ रही है, ठीक है। सो अगर ये एरिया है तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 15,000, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी आएगी, 1 meter square की कॉस्ट है 10, तो इतने मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये ही तो है फिर एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी 10 into H into 2L+B = आ जाएगा 15,000। अब इनमें से ये तो आपका दिया ही गया 250, तो ये आ जाएगा 10H into 250 = 15,000, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, H आ जाएगा 150/25, समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है बात, तो 6 जा, ठीक है, सो H आ रही है आपकी 6 meters, क्लियर। सो ये हाइट है, तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है उसमें 2 times of, वो एक्चुअली ये होता है पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू एच, ये होता है, क्योंकि यही तो होता है 2 times of L+B और ये है H, सो यही होता है आपका लिटरल सरफेस एरिया। सो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूं जब आप फॉर्मूले अगर आप रटोगे तो आपको गड़बड़ करोगे, लेकिन जब आप समझोगे चीजों को तो आप कोई भी क्वेश्चन आए आपको पता चल जाएगा किसमें क्या अप्लाई करना है, समझ रहे हो। सो इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि फॉर्मूलों को रटना नहीं है, समझना है, समझ रहे हो।
चलो सो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स ब्रेथ. ओके, इट्स हाइट इज 3 meters, द एरिया ऑफ इट्स 4 walls इंक्लूडिंग डोर इज दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम. ओके, दिस टाइम द क्वेश्चन इज ऑफ वॉल्यूम. Although मैंने जो questions volume के लिए हैं वो next उसके लिए लिए हैं, but ये question मैंने दिया था और मैंने आपको formula भी बता दिया था volume का. So I'll do this question. The length of the cold storage is double the breadth. Okay. So length अगर इसकी L है, length of the cold storage is double the breadth. Okay. So अगर आप breadth की बात करो, अगर breadth x है तो length जो है वो 2x है. यही तो कह रहा है. आप क्या कह रहा है, its height is 3 meters, the area of its 4 walls including door is 108. इसका 4 walls का area दिया गया है, यानी कि 2h l plus b दिया गया है आपको कितना, 108, यही दिया गया है ना. Including walls, area of the 4, its 4 walls including doors is this. Door को include करना है तो door को अभी आपको consider sh नहीं करना है, ठीक है. तो आपके पास 2 into h दी गई है 3, l दिया गया है 2x plus x is equals to 108. 3x is equals to 6. X की वैल्यू 6 आ रही है. सो अब इसकी जो लेंथ आ रही है वो आ जा रही है 12 meters और जो इसकी ब्रेथ आ रही है वो आ रही है आपकी 6 meters. यही तो बन रहा है. अब आप चेक, आपको अगर चेक भी करना है तो आप कर सकते हो. 12 प्लस 6 करोगे, 12 प्लस 6 करोगे तो 18 आएगा, 18 इंटू 2 करोगे 36 आएगा, 36 इंटू 3 करोगे तो 108 आएगा. आप पेरीमीटर चेक कर सकते हो, समझ रहे हो. आप क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम क्या होता है, LBH. वॉल्यूम इज LBH. L इज 12, B इज 6, H इज 3. मीटर क्यूब. सो दिस इज द वॉल्यूम 216. क्लियर, समझ में आ रही है बात, समझ में आ गया. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वॉल्यूम का क्वेश्चन था. फॉर्मूले सारे मैं आपको बता ही चुकी हूं, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं. अ क्लासरूम इज 7 meter लॉन्ग, 6.5 meter वाइड एंड 4 meter हाई. इट हैज वन डोर दिस डायमेंशन एंड 3 windows ईच मेजरिंग 2 meter इंटू 1 meter. द इंटीरियर वॉल आर टू बी कलर वॉश्ड. The contractor charges rupees 5.25 per square meters. Find the cost of the color washing. Okay. So, क्या कह रहा है? Classroom की length breadth height दे रखी है. ठीक है? अब क्या कह रहा है? The interior walls are to be color washed. Walls, interior walls, not actually wall, interior walls. ठीक है? It has one door, 3 windows, each measuring this and this. अगर एक ही wall की बात होगी बेटा, तो वो तो एक रेक्टेंगल है. उसमें तो भाई वो तो एक रेक्टेंगल ही है ना, उसमें तो फिर आपको तीनों डायमेंशन की जरूरत नहीं है. सारी वॉल्स पेंट करनी है, चारों वॉल्स पेंट करनी है अंदर वाली, ठीक है. सो इसीलिए मैंने द इंटीरियर वॉल्स आर टू बी कलर वॉश्ड. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं TSA, मतलब सॉरी एरिया ऑफ 4 walls. ये निकालना पड़ेगा आपको. तो क्या होता है, 2 into h l plus b. So, आ जाएगा 2 into h कितना आ रहा है, 4. L कितना है, 7. 6.5 ये बन जाएगा. So, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 0.5. 13.5. 108 मीटर स्क्वायर ये बन जाएगा एरिया ऑफ 4 walls. एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं. 2 इंटू 4, 7 प्लस 6.5, यानी कि ये बन जाएगा आपका 13.5 इंटू 8 हो जाएगा. 8 5 24, 8 3 24 and 4 8, ठीक है. 2 8 1 8 and 2 108 मीटर स्क्वायर, ठीक है. चलो ये बात तो मुझे समझ आ चुकी है, ठीक है. अब मुझे क्या करना है भाई, इसमें तो विंडो भी है, इसमें तो डोर भी है. तो डोर और विंडो जो होंगे वो आपके रेक्टेंगुलर शेप के हैं, क्योंकि उसमें हाइट तो होती नहीं है, उसमें तो दो डायमेंशन होते हैं. तो एरिया ऑफ डोर लिख लो. तो एरिया ऑफ जो डोर आएगा वो आएगा 3 into 1.4 meter square, 4.2 meter square. और एरिया ऑफ विंडो लिख लो.
तुप्ती एक विंडो का एरिया है 2 into 1 और 3 विंडो है तो into 3 हो जाएगा, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर्स। सो ये तो एरियाज बन रहे हैं, अब इनको तो पेंट करना नहीं है, तो उस एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो पेंट नहीं करना है, है ना। सो एरिया टू बी पेंटेड विल बी 108 माइनस 4.2 प्लस 6, यानी कि 108 माइनस 10.2, यानी कि यहां बन जाएगा 0.8 और यहां बनेगा 7 और यहां बनेगा आपका 9, 97.8 बनेगा। लेट मी चेक वन मोर टाइम, ठीक है। सो 97.8 बनेगा, आप चेक कर सकते हो, 8 प्लस 2 0, देन यहां आ जाएगा 718 और 9 और 1 10, 108। सो इतना एरिया अब आपको पेंट करना है भाई, इतना मीटर स्क्वायर से एरिया आपको पेंट करना है, तो आप कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग निकालनी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है 5.25, तो 97.8 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, हो जाएगी 97.8 into 5.25 रुपीज। बस इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकाल देना है। तो अगर आप लिखोगे तो 97.8 into 5.25, कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, यहाँ 4 और 8 आएगा, सॉरी मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके लिख देती हूँ। यहाँ आ जाएगा आपके पास कितना, 0, 9, 8 and 4, ये 4 आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 0, 9 and 6, 5 and 8 and 5, 13 and 1, 14, और ये बन जाएगा आपका 9, 9, 18, 18 and 4, 22 and 3, और ये बन जाएगा आपका 8 and 1, 9, 9 and 1, 18 2 carry, ये बन जाएगा 10 and 1, हाँ ठीक है, और यहाँ पे आ रहा था 4, सो ये आ जाएगा आपका 513.450। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, आप एक बार चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना, मे बी कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दियो, बट आई थिंक ये सही होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स निकाला है, कैलकुलेशन ध्यान से चेक कर लेना, फिर मैंने क्या किया, विंडो का एरिया निकाला, तो एरिया ऑफ द फोर वॉल्स 108 मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एरिया ऑफ द डोर निकाला 4.2, एरिया ऑफ द थ्री विंडो निकाला 6, तो मैंने 108 से 8 से 10.2 सबट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा बनेगा 97.8 मीटर स्क्वायर। तो मुझे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी थी, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए मैंने क्या किया, एरिया जो था मेरा, जो भी मेरा एरिया आया था, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5.25 से, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो देख लेते हैं एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 8 5 40 4 9, ठीक है, 3 ठीक है, 48, यहां देखते हैं 1 1, यहां आ जाएगा कितना, ठीक है, फिर यहां वो अगेन फिर वही आएगा 0, 9 and 6, 5, 8 and 5 is 13, 13 and 1, 8 and 5, 13 and 1, 14, 1, 9, 9, 18, 18 and 4, 22, 22 and 1, 23, 3, 2, 8 and 2, 10, 10 and 1, 11, 11 and 1, 4 and 5, ठीक है। सो ये आ रहा है आपका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, क्लियर। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, ये क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं क्यूब, मैं आपको क्यूब बता रही हूँ, सो ठीक है। अ क्यूबॉइड हूज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड द क्यूब। सो क्यूब क्या होता है, जैसे कि मैंने जब क्यूबॉइड बताया तो क्यूबॉइड रेक्टेंगल का 3D है, ऐसे जो क्यूब है वो आपका स्क्वायर का 3D है। 3D मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर, जिसमें एक बच्चे ने लिखा था, मैम व्हाट इज 3D, 3D का मतलब होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सो अगर ये ए है, ये तीनों की अगर डायमेंशन सेम हो गई, भाई स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वो होता है जो कि जिसकी दोनों साइड सेम होती हैं, तो ऐसे ही क्यूब वो होता है जिसकी तीनों चीजें सेम होती हैं, ठीक है। जैसे आइस क्यूब्स, शुगर क्यूब्स, डाइस एटसेट्रा आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ क्यूब। ईच एज ऑफ द क्यूब इज कॉल्ड इट साइड, हर एक एज को हम साइड बोलते हैं, ए ए ए, ठीक है, और तीनों साइड सेम होती है, वहां एल बी एच तीनों की अलग अलग, यहां एल बी ए, बी बी ए और एच बी ए तीनों इक्वल, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्यूब।
क्लियर? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड? क्यूब की तीनों डायमेंशंस, तीनों चीजें इक्वल होती हैं, क्यूबॉइड की तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। चलो सो आप क्या कहते हैं, क्यूब के रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर द क्यूब ऑफ, फॉर अ क्यूब ऑफ एज एज ए यूनिट, अगर उसकी साइड ए यूनिट है तो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द एजेस विल बी 12a। 12a वहां पे था, क्या था वहां पे, 4 टाइम्स ऑफ l प्लस b प्लस h था। तो अब देखो ऐसा था, 4 टाइम्स ऑफ l प्लस b प्लस h, अगर ये सारी की सारी a बन गई तो आ जाएगा 4 into 3a, यानी कि 12a। सो सारे फॉर्मूले वहीं से आए हैं जो मैंने क्यूबॉइड को बताए थे, बट उनमें करना क्या है, एल बी एच तीनों की जगह पे ए ए पुट कर लेना है। सो डायगोनल की अगर हम बात करें तो वहां था स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इसके केस में बात करूं तो आ जाएगा ए एल बी ए है ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर, यानी कि रूट 3a। सो यहां पे डायगोनल ये होता है। सारे फॉर्मूले वहीं से आए हैं जो मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताए थे। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 6a स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था, 2 टाइम्स ऑफ lb, यानी कि lb प्लस bh प्लस hl, ये फॉर्मूला था। तो 2 टाइम्स ऑफ aa a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, तो फॉर्मूला क्या था, 2hl प्लस b, यानी कि 2a a प्लस ए, यानी कि 4a स्क्वायर। सो दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया। सो ये सारे फॉर्मूले, अगर आपको वो फॉर्मूले पता है तो आप इनको लिख सकते हो, सारी डायमेंशंस सेम है, तो आपको ये फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको वही सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, टीएसए बताना है और क्या बताना है, एलएसए बताना है। सो टोटल सरफेस एरिया कितना था आपका, 6a स्क्वायर, यानी कि 6 into h कितनी है, 10, बहुत ही सिंपल है, 600, सो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको एलएसए पूछना है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। सो एलएसए का फॉर्मूला कितना था, 4a स्क्वायर, यानी कि 4 into 10 स्क्वायर, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज एलएसए एंड दैट इज टीएसए, क्लियर? सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट तो। सो नेक्स्ट वन इज दिस, ईच एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस, इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। बेटा अगर कहीं पे भी खाली सरफेस एरिया लिखा है सो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। अगर सरफेस एरिया लिखा है तो मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो क्या कह रहा है कि अगर हर एक साइड को आप 50% इंक्रीज कर दो, ठीक है, तो सिंपल अगर उसकी साइड, लेट साइड ऑफ क्यूब इज ए यूनिट्स, सो उसका जो टीएसए है वो होगा 6a स्क्वायर। अब अगर एक हर साइड 50% से इंक्रीज हो गई तो a प्लस 50% ऑफ a से इंक्रीज कर दी, सो आफ्टर इंक्रीजिंग, आफ्टर इंक्रीजिंग द साइड, साइड इतनी हो जाएगी, यानी कि a प्लस 3a बाय 2 यूनिट्स हो जाएगी। सो अब इस केस में आप जब TSA लिखोगे तो आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा, इस केस में जब आप TSA लिखोगे तो 6 इंटू, मतलब न्यू TSA जो आएगा 6 इंटू 3a बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 9 बाय 4a स्क्वायर, 27 बाई 2 ए स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब आपको क्या निकला है, अब आपको परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, सो परसेंटेज इंक्रीज, सो सबसे पहले तो इंक्रीज निकाल लेते हैं। सो इंक्रीज कितना आया होगा, 27 ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल, जिसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, इनटू 100, दिस इज द परसेंटेज, दिस इज द इंक्रीज। अब उसकी परसेंटेज ओल्ड वाले के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो मेरे पास ये बन जाएगा 27 माइनस 12, यानी कि बन जाएगा आपके पास 27 ए स्क्वायर माइनस 12 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 ए स्क्वायर इनटू 100, ये बन जाएगा। सो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहां पे आपके पास बन रहा है 5 और यहां पे आपके पास बन रहा है 15 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 ए स्क्वायर इंटू 100, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन 125%।
सो कितना इंक्रीज होगा, 125% उसका टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा अगर आप हर एक साइड को 50% इंक्रीज करोगे. क्लियर? सो सिंपल है, कोई भी इंक्रीज आए आप उसी के रिस्पेक्ट में, या डिक्रीज आए निकाल दो, फिर परसेंटेज इंक्रीज निकालो. परसेंटेज इंक्रीज मतलब न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि ओल्ड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100, परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना आपका. क्लियर? चलो, आपको सबको समझ आया तो कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड इनको सॉल्व करना. विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन. बस ये तीन क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है, इनको आप सॉल्व करोगे, हम नेक्स्ट सेशन में इनको डिस्कस करेंगे. सो आज के लिए इतना ही करते हैं. एंड वन मोर थिंग, दैट डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन लाइव कोड, इधर यू आर टेकिंग फॉर जेई नीट और फाउंडेशन. एंड सपोर्ट ऑल द थ्री चैनल, वी हैव दीज थ्री चैनल, सपोर्ट ऑल द थ्री चैनल. शेयर दिस वीडियो विद द हैशटैग लाइव स्कूल डेली, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद द हैशटैग लाइव स्कूल डेली. आपको अगर इस हैशटैग के साथ इसको शेयर करोगे और हमारी टीम आपको देखेगी, हमारी टीम को पता चलेगा, सो हमारी टीम आपको वहां पे मैसेज करेगी. ओके, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.